नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और अभी आया हूँ मैं खेत, और यहाँ से अभी घास लेके जाना है घर। आजकल खेतों में बहुत काम हो रहा है, तो अभी मम्मी घास काट रही है, फिर मैं घास लेके घर जाऊँगा। वो देखिए मम्मी काट रही है घास। इतना बड़ा घास का गट्ठा थमा दिया मेरे पास। हमारे साथ है हमारा घर लालू। लालू हेलो कर दे। लालू की आंखों में क्रोध की ज्वाला मेरे ऊपर भड़कती हुई। लालू मेरे को काट लो। तो चलिए एक बार फिर से चल दिए मैं और प्रियांशु जंगल की सैर पे, और आपको दिखाते हैं आज कुछ अद्भुत नज़ारे। हमारे गांव का क्रिकेट स्टेडियम और हमारे गांव का मंदिर जहां पे भैरवनाथ स्वामी का निवास स्थान है, और वो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है हमारे इधर का। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर रहे हैं मैं और प्रियांशु, और अभी हम हैं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पे, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे हैं। निकल गए और रड़ गया मैं यहाँ पे। और ओह, बाल बाल बचा हूँ मैं यहाँ से गिरते हुए। और अगर मैं अभी यहाँ बचा लिया भगवान ने, आज क्रिकेट कमेटी ने बंद कर रखा है और ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अभी रास्ते की खोजबीन जारी क्रिकेट के मैदान में। तो चलिए आप भी हमारे क्रिकेट के मैदान को देखिए। जो ये पिच है, यहाँ पे बैटिंग होती है, और आज पिच में बहुत नमी है नीचे, और लकड़ियाँ भी गिरी हुई हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो क्रिकेट कमेटी है उसने इस पिच को छोड़ दिया है, तो ये अभी लावारिस की तरह है। और आइए मेरे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ बॉलिंग छोर जहाँ से बॉलिंग होती है। तो जो ये हमारा ये साइड है, ये है बॉलिंग का छोर। इस छोर का नाम है मुनर स्टेडियम। इधर से मुनर पड़ता है, तो ये मुनर का छोर है। काफी लंबा रन अप है, तो वहाँ लास्ट एक ही बॉलर है हमारे पास सूरज, जो वहाँ से इतना लंबा रन अप लेके यहाँ आता था और वहाँ जाके वाइड बॉल डालता था। एक ही हमारे पास एक बॉलर है ऐसा। और बाउंड्री आपको दिखाता हूँ, आ जाइए मेरे पीछे आओ। ये देखिए इस पेड़ के, ये पेड़ दिखा हुआ, इस पेड़ के अगर पल्ली साइड गेंद गई तो 6 रन, और टप्पा खा के गई तो 4 रन। बाकी नीचे है, नीचे को दिखाइए थोड़ा, तो नीचे आपको झाड़ी नजर आ रही होगी। अगर बॉल टप्पा खा के बाहर गई तो 4 रन है, झाड़ी के ऊपर सीधा गई तो 6 रन है, और अगर ऊपर ही ऊपर झाड़ी के ऊपर से बिना टच करे नीचे गई तो आउट है। ये यहाँ के नियम है, बहुत कड़े नियम है यहाँ पे, और जो उसको नहीं मानता है उसको अगले दिन से मैच में नहीं रखा जाता है, सीधा स्टेडियम से बाहर। पीछे की आपको बाउंड्री दिखाते हैं, तो हमारा जो विकेट कीपर है वो यहाँ पे खड़ा रहता है, पकड़ता हुआ एक बॉल भी नहीं है, क्योंकि बॉल काफ़ी तेज आती है, बॉल जाके यहाँ रुकती है तब जाके विकेट कीपर बॉल पकड़ता है। और जो ये दिख रहा है आपका छोटा छोटा गदेरा, कैमरामैन थोड़ा गदेरा दिखाओ, जो ये छोटा सा दिख रहा है आपको हल्का, ये बाउंड्री है पीछे की। ये मात्र 10 मीटर की बाउंड्री है पीछे की साइड, अगर टच हो के पीछे गए यहाँ रन नहीं मिलता है। अगर खिलाड़ी अगर थोड़ा कम हो गए तो यहाँ के रन नहीं है, इस साइड में अगर बॉल निकल गई तो यहाँ की भी रन नहीं है, ये यहाँ पे नियम है। और ऊपर देखिए थोड़ा ऊपर की साइड आपको दिखाता हूँ, ये झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों में अगर डायरेक्ट बॉल गई तो आउट, ठीक है, ये यहाँ पे नियम है। और अगर टप्पा खा के अंदर बॉल गई है तो रन दे सकते हो आप। इस झाड़ी से पीछे अगर गेंद आती है तो यहाँ रन नहीं लिया जाएगा, और अगर डायरेक्ट गई तो आउट है, ये यहाँ पे नियम है इस पिच के। बाकी पिच का आउटफील्ड आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है,
खेलने के लिए सपाट पिच है, लेकिन जो आउट है बाहर के लिए वो बड़ा तेज है। तो जब भी बॉल पे शॉट लगती है तो जो नीचे फील्डर होते हैं वो दर्शक बने रहते हैं, बॉल इतनी तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती है तो बॉल पकड़ना अब नामुमकिन रहता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे टेनिस की बॉल हो गई या लेदर की गेंदें हो गई, इन चीज़ों से यहाँ पे नहीं खेला जाता है। यहाँ पे खेला जाता है क्रिकेट जुराब की बॉल से, कपड़े की बॉल से, और वो बॉल ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे पिच का जो मुआयना किया गया उस वजह से देखा गया तो यहाँ पे जुराब की बॉल सुटेबल थी। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं मंदिर के नीचे और चलते हैं अब वापस। एक बार फिर से मैं अपने गांव के नज़ारों से आपको यहाँ पे इन दृश्यों से आपको गदगद करना चाहता हूँ।